गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग तो इस वीडियो हम बात करेंगे कि हाउ टू बिकम अ जेई क्वालिफिकेशन क्या रहेंगी आपकी और uh, उसमें एक्सपीरियंस काउंट होता है कि नहीं होता तो मैंने थोड़े नोट्स बना के रखे हैं कि मैंने जब तैयारी शुरू करी थी uh, तो मैंने कैसे कैसे तैयारी करी थी और उसके लिए क्वालिफिकेशन्स बैकग्राउंड में आपको बता दूँगा थोड़ा बहुत कि क्या क्या आपको करना है अगर आप स्कूल में हैं या फिर आप कुछ कर रहे हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि जेई बनना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपके लिए जरूरी हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपकी एज होगी ठीक है एजुकेशन होगी या फिर सैलरी होगी एज ए जेई तो सबसे पहले जो एजुकेशन है अठारह से ऊपर वाले तो देखो एग्जाम भर सकते हैं ठीक है अठारह तो आपकी होनी चाहिए एज बारह बारह के बाद ट्वेल्थ के, के बाद आप जो भी डिप्लोमा करेंगे डिग्री करेंगे आप जो डिग्री और डिप्लोमा करेंगे वो करेंगे आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें मैंने करी थी मेरे टाइम ट्रिपल ही होती थी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है जो मैंने डिग्री करी है वो इसमें करी है बट आजकल अलग अलग कर दिया है तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अगर कोई कर रहा है तो वो भी एग्ज़ाम भर सकता है और जो इलेक्ट्रिकल कर रहा है वो भी कर सकता है ठीक है तो हिमाचल में क्या है कि हम डिग्री वाले भी एग्ज़ाम दे सकते हैं जेई का बट कुछ स्टेट्स में क्या है कि सिर्फ डिप्लोमा वाले ही एग्ज़ाम दे सकते हैं तो मेन ये है कि आपने डिप्लोमा करना है इलेक्ट्रिकल में और इसमें क्या है कि आपने ट्वेल्थ के बाद जो भी डिप्लोमा करेंगे वो तीन साल का होगा आई थिंक टेंथ के बाद तीन साल का होगा और ट्वेल्थ के बाद चार साल ए, दो साल का होगा ठीक है अब इसमें आ, आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं ठीक है डिप्लोमा कर सकते हैं डिग्री कर सकते हैं अब इसमें इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा मैंने बता दिया इसमें एज का देखो हर आ, कैट, कैटेगरी वाइज है जैसे ट्वेंटी वन टू थर्टी टू जनरल के लिए है फिर दो साल की रिलेक्सेशन मिल जाती है ओबीसी के लिए तो वो ट्वेंटी वन टू थर्टी फोर राइट एस सी के लिए 21 से 37 ये एज क्राइटेरिया रहेगा उनके लिए सैलरी देखो स्टार्टिंग में आ, हर स्टेट की अलग अलग है जैसे यहाँ पे क्या मिलता है जो बेसिक सैलरी हमें उसका 60 परसेंट मिलता है मान लो कि हमारी फुल सैलरी बनेगी बेसिक जो भी बनेगी अलाउंसेस पा के सारा कुछ डाल के वो अलग से आएगी लेकिन एक बेसिक सैलरी होती है जैसे मान लो कि पचास हज़ार पचास हज़ार का हमें सिक्सटी परसेंट मिलेगा दो साल के लिए क्योंकि यहाँ पे जब हम ज्वाइन करते हैं तो दो साल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे होते हैं तो दो साल के लिए हमें मिलता है सिक्सटी परसेंट ऑफ बेसिक सैलरी तो ये मतलब वेरी करेगा जैसे उनतीस हज़ार से लेकर चौंतीस हज़ार तक मतलब तीस हज़ार से पैंतीस हज़ार के बीच बीच में आपको यहाँ सैलरी मिलती है अब बुक्स की हम बात करें देखो एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर जो कर रहा है तैयारी कर रहे होंगे या कोई पढ़ाई कर रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसमें पता होगा ठीक है कि वो बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए कौन सी बुक पढ़ रहा है पावर सिस्टम के लिए कौन सी बुक पढ़ रहा है फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कौन सी बुक पढ़ रहा है मशीन्स के लिए कौन सी बुक पढ़ रहा है मशीन में देखो पी एस बीमरा और अशफाक हुसैन जब मैं कॉलेज में था मैंने अशफाक हुसैन पढ़ी क्योंकि वो ईजी थी हाँ आपको जैसे कुछ अपने कंसेप्ट क्लियर करने तो उसके लिए आप पी एस बीमरा यूज़ कर सकते हैं जैसे इंडक्शन मोटर थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर उसकी वर्किंग कैसे है थ्री फेज़ रोटेशनल आ, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो कैसी होती है उसमें फिर आपकी आ, जो रिलेटिव मोशन का जो कंसेप्ट है वो कैसे है कि इक्वल है ज़ीरो हो जाएगी क्यों नहीं घूमेगी ठीक है ये आपको चीज़ें पता लगेगी पी एस बिमरा से तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आ, इसमें जैसे नोट्स भी बना रखे हैं मैंने आ, कि आ, मशीन के लिए आप जा सकते हो पी एस बिमरा एंड अशफाक हुसैन पी एस बिमरा से आप पढ़ सकते हो ट्रांसफॉमर एंड थ्री फेज इंडक्शन मोटर अच्छे से कवर किया अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है उसमें और मशीन के लिए अशफाक हुसैन सिंक्रोनस मशीन डी सी मशीन होगी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो गया राइट ये एक बार गो थ्रू कर लेना जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए ठीक है इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं कि इक्वलाइजर कहाँ होते हैं फिर स्लिप रिंग्स हो गए काबन हो गए क्या यूज़ हैं ठीक है ये सारा है तो फिर आपकी ट्रांसफॉर्मर uh, uh, में टाइप्स कैसी होगी लॉसेस हैं फिर उनके आपके टेस्ट हैं ठीक है नो लोड टेस्ट फुल लोड टेस्ट ठीक है शॉर्ट सर्किट टेस्ट ये सारे आपने पढ़ लेने हैं अब जो पावर सिस्टम है पावर सिस्टम के लिए आप यूज़ करोगे सी एल वातवा तो देखो पावर सिस्टम में स्विच गेयर प्रोटेक्शन भी आता है तो देखो एक तो हो गया जनरेशन वाली साइड ठीक है एक होगी आपकी ट्रांसमिशन वाली साइड अब ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए केबल्स के बारे में पता होने चाहिए इंसुलेटर्स के बारे में पता होने चाहिए फॉल्ट होते हैं देखिए एक फॉल्ट होंगे अनसमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं जिसमें फिर प्रोटेक्शन स्विच गए प्रोटेक्शन के बारे में बता दीजिए जैसे हमारा स्विच एडा तेतीस वो इलेवन के वी गए जिसमें वी यूज़ होते हैं आपके सी यूज़ होते हैं फिर पावर ट्रांसफॉर्मर्स यूज़ होते हैं तो ये किस लिए होते हैं ठीक है सी का क्या काम है सेकेंडरी साइड ओपन रहती है कि शॉर्ट रहती है सीटी की ये क्वेश्चन भी आपने देखना है क्यों इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेनी है क्यों करते हैं फिर आपके वी सी वीज तेतीस वाले सब में कौन से यूज़ होते हैं वन थर्टी टू वाले में कौन से यूज़ होते हैं ठीक है ये आपको पता होना चाहिए वी सी वी जैसे एस एफ सिक्स के बारे में पढ़ लेना वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ लेना एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ लेना तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं ट्रांसफॉमर ऑयल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं ठीक है तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने पढ़नी है मेजरमेंट के लिए एक ही सहानी इसमें देखो एनर्जी मीटर के बारे में बताते हैं आपको फिर आ, और भी ज़्यादा आप इसमें डेप्थ में पढ़ेंगे फिर आ, तो एक ही सहानी में देखो मेजरमेंट में ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते आ, मैं सजेस्ट करूँगा कि जो भी आपके एनर्जी मीटर्स हैं फिर आ, थोड़ी बहुत तो अभी मैं भूल भी रहा हूँ कि क्या क्या होता है उसमें एक ही जैसे मेजरमेंट के जितने भी आपके फिर एरर्स के बारे में बताते हैं ह्यूमन एरर आ गया है ना कोई इंस्ट्रोमेंटल एरर्स आ गए फिर आ, आपके इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हो गए ठीक है जिसमें कि कौन सी आपकी ब्रेकिंग सिस्टम कौन सा होता है ठीक है उसमें मैग्नेट्स कौन सी यूज़ होते हैं राइट पी के बारे में हो गया ठीक है फिर ब्रिजेस के बारे में ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है सर्किट थ्योरी के लिए देखो ए चक्रवर्ती या सडिकू ठीक है ये दोनों अच्छी बुक्स हैं स्टडी को तो मैंने भी पढ़ी है पर बेसिक इलेक्ट्रिकल में देखो थ्योरम्स के बारे में पता होना चाहिए नॉन लीनियर लीनियर एलिमेंट्स कौन से होते हैं पैसिव एक्टिव एलिमेंट्स थियरम्स जैसे सुपरपोजिशन होगी आपकी फिर नोटन्स थियोरम होगी इसमें ठीक है कैसे सर्किट बनते हैं पैरेलल में किसके साथ बनेगा सीरीज में किसके साथ बनेगा लीनियर नॉन लीनियर पैसिव है ना एक्टिव फिर आपके टाइम इनवेरियंट तो ये कौन सी मतलब किस किस में ये फॉलो करती हैं थियरम्स तो आपने ये पढ़ लेनी नॉन टेक के लिए देखो लूसेंट आप एक तरह से फॉलो कर सकते हो नॉन टेक के लिए अब देखो जब भी नॉन टेक्निकल की पार्ट नॉन टेक्निकल पार्ट की बात आती है देखो टेक्निकल पार्ट तो सारे कवर कर लेंगे मेन है कि नॉन टेक्निकल पार्ट आप कैसे कवर करोगे तो नॉन टेक्निकल पार्ट का एक बार गो गो करो एग्जाम पेपर जो भी लास्ट प्रीवियस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसमें देखो कि क्या पूछे गए हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए इकोनॉमी पॉलिटी ठीक है करंट अफेयर के पूछे गए हैं तो क्या पूछा गया है तो उस हिसाब से पढ़ना है हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री के हैं मेडिवल मेडिवल हिस्ट्री के हैं या फिर आपके एनशियट हिस्ट्री के एनशियट हिस्ट्री के आई आई डोंट थिंक कि ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मेनली रहते हैं मेडिवल या फिर मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे या फिर पॉलिटी के क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि न्यूज़ में चला होता है ठीक है जैसे सिक्स शेड्यूल के बारे में जैसे तिब्बत तिब्बत नहीं बट ले लद्दाखे लोग बात कर रहे हैं कि सिक्स शेड्यूल में डालो हमें ठीक है फिर जैसे तो ये करंट अफेयर की कुछ चीज़ें होती हैं जो पॉलिटी से आप रिलेट कर सकते हो फिर हमारे प्रेसिडेंट के पास कौन सी पावर है गवर्नर के पास कौन सी पावर है आर्टिकल जैसे इमरजेंसी लगती है ठीक है फाइनेंशियल लगती है नेशनल सिक्योरिटी के बारे में लगती है तो ये सारी आपको पता होनी चाहिए फिर हाई कोर्ट के बारे में आपको पता नहीं चाहिए आर्टिकल कौन कौन से हैं सुप्रीम कोर्ट का हो गया फिर आ, फिर कंक्रेंट लिस्ट के बारे में हो गया स्टेट लिस्ट है ना सेंटर लिस्ट आ, और एक लिस्ट होती है जिसमें दोनों काम करते हैं जिसको कंक्रेंट लिस्ट बोलते हैं तो ये कुछ चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए तो इस वीडियो में इतना ही बाकी मैं आ, और वीडियोज़ बनाऊँगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आपने मशीन में कैसे तैयारी करनी है क्या क्या टॉपिक्स आपने कवर करने हैं तो आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना कि ऐसी कुछ वीडियोस चाहिए जिससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा ठीक है जैसे ही मैं बात करूंगा अगर मशीन का अगर मैं कोई आ, आ, वीडियो बनाऊँगा तो उसमें किसी टॉपिक के बारे में बात करूँगा तो उसमें टॉपिक के जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो उसके बारे में बताऊँगा तो आपको भी फिर आ, दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा तो इसमें ऐसा ऐसा होता है ठीक है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना आ, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो